बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की सोमवार को शुरुआत हुई, जहां इंदौर के जीपीओ स्थित एसबीआई हेड ऑफिस से सैकड़ों बैंक कर्मियों ने रैली निकाली और नारेबाजी की। भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सैकड़ों महिला पुरुष बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकता दिखाते हुए जीपीओ एसबीआई हेड ऑफिस से रैली निकाली। इस दौरान एसबीआई इंदौर के उप महासचिव सचिन गोखले ने बताया कि केंद्र सरकार वाले सभी क्षेत्रों में निजीकरण करती जा रही है, जहां बैंकों को भी निजीकरण की राह में लाया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप सैकड़ों बैंक कर्मी दो दिवसीय अपना कामकाज बंद रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वह बैंकों के लिए इस निजीकरण के फैसले को बदल दें। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 और 16 मार्च को देश भर के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर है। हड़ताल पर जा रहे हैं, केवल इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आदरणीय वित्त मंत्री महोदय का बजट भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने दो बैंकों का निजीकरण करने की बात की थी, परंतु जब हम प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वो 4 बैंकों के निजीकरण की बात कर रहे हैं। इससे सरकार की नीति और नियत दोनों ही में खोट हमें प्रतीत होता है और उनका उद्देश्य निश्चित रूप से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनके प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं है और इससे निश्चित रूप से आर्थिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। जैसा कि आपने देखा है कि बैंकों ने जमा, जब नोटबंदी की बात हो या जनधन खाते की बात हो, तब बैंकों के प्रत्येक कर्मचारियों ने देश हित में कार्य करा और जिस प्रकार ये महामारी कोरोना में भी आपने देखा होगा कि सभी संस्थानों को छूट दी गई थी, परंतु बैंक के कर्मी हमेशा देश हित में, राष्ट्र हित में लगे रहे और उन्होंने कोरोना महामारी में भी अपनी सेवाओं को दिया है। और हमारा आप लोगों से इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है और जिस प्रकार की आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सत्य के माध्यम से सरकार को अवगत कराएगी कि हम सब आप साथ में हैं और सब हमारी जो जनता है वो भी हमें साथ दे रही है और हम लोग निश्चित रूप से इस निजीकरण को खिलाफ़ हैं और इसको होने नहीं देंगे क्योंकि हम देश हित में हमेशा कार्य करते रहे हैं और देश हित में कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रदीप बिलाला, DGS FIMM नेटवर्क, SBI। आज पूरे देश भर में सार्वजनिक बैंकों के 10 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं। ये जो हड़ताल है मुख्य रूप से सरकार का जो निजीकरण का रवैया है उसके विरुद्ध है। निजीकरण जो करने जा रही है सरकार या जो सरकार ने जो फैसला लिया है ये देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। मुख्य रूप से छोटे व्यापारी, किसान, स्टूडेंट्स, इन सब के हित में नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के जो नुकसान हैं वो हम देख रहे हैं। धीरे धीरे सरकार सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करती जा रही है। आज सुबह की खबर है कि हिंदुस्तान के 4 एयरपोर्ट्स को फुल्ली प्राइवेटाइज़ करने का फैसला लिया गया है और प्राइवेटाइज़ कर दिए गए हैं। साथियों, मैं 15-16 मार्च को होने वाली इस हड़ताल के माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और उनके 10 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी इस निजीकरण का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसको होने वाले नुकसान न सिर्फ बैंक कर्मचारी अधिकारियों को होंगे, इसके अलावा आम जनता को भी बहुत नुकसान है। इससे शिक्षा ऋण जैसी चीज़ें जो आज हम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत करते हैं काफ़ी कार्य, वो कोई कार्य नहीं होंगे। निजीकरण से, प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात की जाएगी, प्रॉफिट अर्निंग की बात की जाएगी। जो सार्वजनिक बैंक के जिस पर्पज़ के साथ में की गई थी, नेशनलाइजेशन किया गया था, उसका उद्देश्य धूमिल हो जाएगा। इसी को लेकर आज ये 2 दिन की हड़ताल है। इस हड़ताल में हमें इंश्योरेंस सेक्टर का भी पूरा समर्थन है, अन्य यूनियन का भी काफ़ी समर्थन है। अगले 3 दिनों में वो लोग भी हमारे समर्थन में आने वाले हैं। मैं पुनः मीडिया के थ्रू इस सरकार से निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि अपने इस फैसले को वापस लें और सार्वजनिक क्षेत्रों को जीवित रखें। मेरा नाम सचिन गोखले, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ में उप महासचिव पद पर कार्यरत हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।